किसी ने भी चिड़िया को स्वाभाविक रूप से मरते हुए, मतलब नेचुरली डाइंग, दैट ए बर्ड इज सिटिंग एंड सडनली इट कोलैप्सेस नेचुरली टू डाई, तो चिड़िया की जो नेचुरल डेथ है उसको आज तक किसी ने देखा नहीं है, वो रिकॉर्ड हुई नहीं है कभी भी। तो ये जो मेरी कविता थी इसमें यही प्रश्न है कि भाई चिड़िया कहाँ जाके मरती है? क्या चिड़ियों का एक बड़ा भारी कब्रिस्तान है, लाखों करोड़ों चिड़ियों का, कहाँ जाती हैं अचानक? कल थी आज नहीं है। ये मैंने भारत के मशहूर पेंटर स्वामीनाथन को समर्पित की है, इसलिए कि वो हमेशा अपनी पेंटिंग में चिड़ियों को लाते थे और ये कविता चिड़ियों से वाबस्ता है, इसलिए उन्हें समर्पित। तो इसका शीर्षक है कोशिश, स्वामीनाथन के लिए। शाम को खुश लौटती हुई सीढ़ियों से मैं पूछना चाहता हूं एक अशुभ सवाल कि आखिर वे मरने के लिए कहाँ जाती हैं, लेकिन वे मेरी तरफ उसी तरह देखती या ना देखती हुई गुजर जाती हैं, जिस तरह पार्क की ठंडी बेंच पर बैठे हुए खाली निगाह वाले बूढ़े के पास से स्कूल से लौटती हुई लड़कियां चली जाती हैं। चिड़ियों की मृत्यु मेरे लिए एक रहस्य है और यहाँ मेरा अर्थ पिंजरों में लटकाए गए पक्षियों की मौत से नहीं है, जिनके पंजों से तीलियों को छुड़ाना कठिन हो जाता है और अचानक उड़ान में बिजली के तारों या मोटर के पहियों में फंस गए कौओं के शरीर से भी मैं उसे समझने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि आदमियों और आदमियों की चीज़ों के संपर्क से आई हुई चिड़ियों की मृत्यु मेरा विषय नहीं है। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ चिड़िया को उस क्षण में जब वो आखिरी उड़ान के पहले अपने आप निश्चित करती है कि ये उसकी आखिरी उड़ान है और बिल्कुल पहले ही की तरह उठ जाती है घड़ियों और नक्शों के बाहर उस जगह के लिए जहाँ एक असंभव वृक्ष पर बैठकर चुप होते हुए उसे एक अदृश्य चिड़िया बन जाना है। देखना ही चाहता हूँ क्योंकि ना मैं चिड़ियों का संकल्प पा सकता हूँ और न उड़ान, मैं सिर्फ अपनी मृत्यु में उनकी कोशिश करना चाहता हूँ।